उत्तर प्रदेश के बागपत से हैरान कर देने वाला मामला अब सामने आया है, जहां डिप्टी सीएमओ और जिला टीबी अधिकारी डॉक्टर यशवीर सिंह और उनके परिवार को खाने में टीबी का बैक्टीरिया देकर के मारने की कोशिश हुई। इसका एक ऑडियो भी सामने आया है जिससे तहलका मचा दिया। चौंकाने वाली बात यहां यह है कि साजिश उनके विभाग में कार्यरत मुशीर और जब्बार नाम के युवक ने रची है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। क्यों और कैसे दोनों ने ये खौफनाक साजिश रची, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बस दो बूंद और गेम ओवर। मुशीर और जब्बार की खौफनाक साजिश। वायरल ऑडियो ने मचाया तहलका। जिस अस्पताल में लोगों को नई जिंदगी दी जाती है, जहां लोगों का इलाज और उपचार होता है, उसी अस्पताल में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। यूपी के बागपत में डिप्टी सीएमओ और उनके परिवार को खाने में टीबी मरीजों के सैंपल खिलाकर मारने की साजिश रची गई। ये साजिश किसी और ने नहीं बल्कि संविदा पर तैनात टीबी एचआईवी कोऑर्डिनेटर जब्बार खान और लैब टेक्नीशियन मुशीर खान ने रची। दोनों ने बड़े शातिराना तरीके से खाने में स्लो पॉइजन देने का प्लान बनाया। मुशीर और जब्बार ने इसके लिए डिप्टी सीएमओ डॉक्टर यशवीर सिंह के घर पर काम करने वाले कर्मचारी का सहारा लिया, फोन पर दबाव बनाया और डिप्टी सीएमओ और उसके परिवार के खाने में टीबी मरीजों के सैंपल मिलाने को कहा। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब उसका ऑडियो वायरल हो गया। ये वीडियो कर्मचारी ने खुद रिकॉर्ड किया और फिर डिप्टी सीएमओ को सौंप कर इस पूरे कांड का भंडाफोड़ कर दिया। मुशीर और जब्बार ने कैसे दो बूंदे कर डिप्टी सीएमओ डॉक्टर यशवीर सिंह का गेम ओवर करने की साजिश रची थी, उसका ऑडियो आप भी सुनिए। अब जा रहा हूँ मैं सामान लेने के लिए। सामान मंगाया मैंने, कितना डालना नु बताओ। ठीक है। ऑडियो में दो बूंद डालने और चार बूंद डालने की बातें हो रही है। यहाँ टीबी के मरीजों का सैंपल आता है। ये एक बैक्टीरिया है जिसका शरीर में जाना बहुत खतरनाक है, जो जानलेवा भी है। सैंपल को खाने में और चाय में डालकर देने की बात हो रही है। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर डॉक्टर साहब और उनका परिवार खाना खाता तो अंजाम क्या होता। पुलिस ने डिप्टी सीएमओ की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या की साजिश का केस दर्ज कर लिया है। हालांकि मुशीर और जब्बार अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। सैंपल की बात चल रही है, सैंपल कहाँ है? तो सैंपल टीबी अस्पताल में तो उसी का सैंपल होगा ना, जो टीबी के मरीजों सैंपल आता है जांच करने के लिए, उसमें टीबी के बैक्टीरिया होते हैं, उन्हीं की जांच होती है। तो मामला तो यही लग रहा है कि वही चीज़ डाल के देने की बात चल रही है, पानी के अंदर या कहीं डाल के देने की बात चल रही है, जिससे कि ये लोग सफ़र करें। अभी तो है इस तरह की बातें जो आ रही हैं कि दो बूंद डालें, चार बूंद डालें, क्योंकि वो सैंपल आता है हमारा जो है टीबी के मरीजों का सैंपल होता है, अब उसमें से दो बूंद डालेंगे चार बूंद डालेंगे तो बैक्टीरिया ही तो जाएगा, चाहे जहाँ डालें, पानी में डालें या चाहे चाय में डाल के दें। तो एक हिसाब से गलत क्या, बहुत ही गलत है। बताया जा रहा है कि टीबी एचआईवी कोऑर्डिनेटर जब्बार खान और लैब टेक्नीशियन मुशीर अहमद ने डिप्टी सीएमओ डॉक्टर यशवीर सिंह के खाने में एमडीआर टीबी के मरीज के बलगम के जीवाणु और अन्य घातक रसायन खाने में मिलाने की कोशिश की थी। घटना सामने आने के बाद से मुशीर और जब्बार फरार है। आपको बता दें कि टीबी का सैंपल लेने से जान का खतरा बन सकता था। इस घटना के बाद से स्वास्थ्य कर्मी में आक्रोश है और बागपत कोतवाली में उन्होंने खूब हंगामा किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। इन सब के बीच दोनों आरोपियों की संविदा भी खत्म कर दी गई है। इसमें हमारी टीबी यूनिट है जिसके नोडल डॉक्टर यशवीर सिंह हैं, डिप्टी सीएमओ हैं, और इन्हीं के अधीन दो लड़के काम करते हैं। एक मुशीर है जो एलटी के पद पे है, जो 2004 से यहाँ कार्यरत है। दूसरा जब्बार नाम का लड़का है जो टीबी एचआईवी कोऑर्डिनेटर है, ये 2013 से कार्यरत हैं। कुछ इन्हीं दोनों की आपस में बातचीत करने का ऑडियो संज्ञान में आया है और इस पे विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुशी 2004 से जिला अस्पताल में संविदा कर्मी है, जबकि 2014 से जब्बार भी अस्पताल में संविदा कर्मी है। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। डिप्टी सीएमओ यशवीर सिंह जिला क्षय रोग अधिकारी भी है,
उन्हीं के नेतृत्व में दो टीवी और एचआईवी जांच के लिए संविदा कर्मी और लैब टेक्नीशियन मुशीर अहमद और जब्बार खान भी काम करते हैं। फिलहाल डिप्टी सीएमओ के आरोपों पर बागपत शहर कोतवाली पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। अब हर किसी को इंतजार है तो बस जांच रिपोर्ट के सामने आने का, जिसके बाद पूरे मामले की सच्चाई और साजिश के पीछे का असली कारण भी सामने आ जाएगा। बागपत से मेहंदी हसन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।